ओके, यहाँ देख सकते हैं मॉडल जो है सैमसंग का मॉडल है, M30 या M31 मॉडल है ये। तो यहाँ चार्जिंग का लोगो शो कर रहा है। अच्छा बताओ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजहर अहमद है। अजहर अहमद, ठीक है। किधर से आप? निजामाबाद। निजामाबाद, ठीक है। यहाँ आने से पहले आप क्या काम करते थे? तो कुछ काम के बारे में मालूम था आपको? सर इससे पहले 8-10 साल पहले तो अभी आप क्या करने वाला है इसमें? डबल टेकर निकाल के, ठीक है। रिमोट पे बोल रहे हैं। इससे पहले प्रैक्टिस करे थे आप? कोई बात नहीं, चलो स्टार्टअप करो। तो जरा इसका मेमोरी कार्ड है तो लगाऊंगा सर। दूसरा AC सब बंद क्लैरिटी दिख रहा तुम्हारे को अच्छा से? तो बराबर नीचे रख लेना, हमारे भी पूरा सही देखो, हमारे भी पूरा सर्किट दिखना है ताकि तुम किधर भी गलती करे तो हम बता देते, ठीक है। और पूरा बात जो है मेरा सुन, पूछते रहना, जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वैसा ही काम करना, ठीक है। पूरा चारों तरफ की साइड लुक काट लो, चारों तरफ की साइड लुक काट लो। दिख रहा है ये वाला IC? तो पकड़ो भाई इसको अच्छा से, ठीक है। तो थोड़ा क्रॉस करो, थोड़ा लाइट, हाँ थोड़ा और, ठीक है लाइट। ये देखो यहाँ तक का जो है ब्लैक कलर कोटिंग दिख रहा है ये तुम्हारा, उसके बाद जो है हल्का सा तुम्हारे को ग्रीन कलर लेयर दिखे, ठीक है। जहां तक ग्रीन कलर लेयर आता, ब्लैक कलर और ग्रीन लेयर एक सेट आया, मतलब एक IC कंप्लीट, समझ में आया? जी सर। उसके बाद तुम्हारे को फिर ब्लैक स्टार्ट हुआ, मतलब वो और एक IC, समझ में आ गया? तो करना किधर? ग्रीन लेयर के नीचे, ग्रीन लेयर के बीच में नहीं, बीच में जाने तो रैम के बीच में घुस जा, ठीक है। ग्रीन लेयर के नीचे, ठीक है, आया समझ में? तो ऐसी है साइड में जैसा दिखा या लाइट पूरे को बंद करके बैठ गया, पेस्टेड है तो साइड से दिखे, तो सब पेस्टेड है। इसको यहाँ दिख रहा है? ये नहीं, उन लोगों को नहीं दिखता, तुम्हारे को मेरे को सब दिखता। देखो इधर देखो, यहाँ जो दिख रहा है इसको पकड़ो बेटा, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक वाला कोटिंग है, ठीक है, ये पूरा सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना, ये IC का नीचे का एक्चुअली IC है, इतना ही पीस, ये जो बारीक वाला है यही है IC, समझ में आया? ये जो बारीक वाला है यही है IC, ठीक है। ये ऊपर का पूरा कोटिंग है भाई, ठीक है। अब ये कोटिंग के नीचे एक लेयर, अगर ये आ गया और ये एक आ गया, मतलब एक IC कंप्लीट, ठीक है। अब इसके ऊपर एक IC और एक ऐसा लगा दिया,
बता लगा दिया है ऐसा, ठीक है, दिख रहा है तुम्हारे को? तो ये दो आईसी है, तो लगाना किधर? ये ग्रीन लेयर, अगर ये रिवर्स आ गया तो ये आईसी पकड़ना ऐसा, पकड़ो हाँ, तो ये लेयर के नीचे की तरफ, ये लेयर तो दिख रहा है, ये लेयर के नीचे में डालना है, बस समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोग गैप सही बना नहीं बना के क्या करे, राम रावण के बीच में जाके घुसा दे रहे, ठीक है, तो हटा दो, तो दोनों के बीच में गैप बना दो, ग्रीन कलर लेयर के नीचे, वेरी गुड, हाँ बहुत हुशियार है ये निजाम, ठीक है लगाओ भाई, हाँ काटो, हाँ ऐसा, चलो छोड़ दो, बस है, क्या बन गया, समझ में आया? हाँ ज्यादा काटना नहीं, इसे ही काट देना नहीं है, ठीक है, अब इसको एक मिनट, अब चेक करना स्क्रैपर उठा के, जो स्क्रैपर है, स्क्रैपर इसके अंदर अटक रहा है क्या, देखो स्टकअप हो रहा क्या, और भी बनाना पड़ता क्या मेरे, देखो इस समय, ठीक है अटक रहा है, ठीक है समझ गए, गैप इतना बनाए तो बस, ठीक है, हाँ लगा देना इस पे, जो गैप बना है ना, ठीक है उसी गैप के अंदर ये देखो, इसी के अंदर ऐसा, ठीक है, हाँ ये हाथ जो है ये प्लेट का सामने के पाएंगे ऐसा क्रॉस, इसमें अटका के रखा, ऐसा क्रॉस के अंदर ऐसा हाथ के अटका के रखा, इसके बीच जहाँ गैप आप बना है, ठीक है, हैंडल इनकोट ही बोलना, इनकोट ले लीजा, ब्लैक कलर का हैंडल लीजा, और एक हैंडल रहता मेरा, फोन लिया इधर, कोई हैंडल लिया इधर से भाई, अंदर है, हाँ देख, ये दोनों के बीच में ऐसा लगाते हैं, जहाँ तो आ गया था देख दिख रहा है ये, और ऐसा तो गया, तो मैं ऐसा, और यहाँ तक आया तो हल्का सा उठाने की कोशिश कर, ठीक है, पहले केक करता देखो, केक काटे सबका अंदर लेना, ठीक है, और टीप मारना 350 का ही, पूरा सही मारते हैं, ऐसे जितना प्लेस है उतना प्लेस, ठीक है चलो स्टार्ट, 330 होने में, 350 कल करा ना मैंने ऑलरेडी, कल तू ही करा या मैंने पीछा करके दिया, मैं ही करा था, तू ही करा तो मालूम है ना, फिर याद रहेगा, चलो करो, ले लो सुगम से काटो, तोड़ दो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मत डरो मत, और ना करो कर दे सर, आराम से घुमाओ, और जहाँ तुम्हारा ब्लेड है वहां पहले वाइंच एक दगा रोक दो, ठीक है, ताकि उस तरफ में थोड़ा अंदर जा रहे दोस्त, ठीक है, जहाँ ब्लेड आप रखे उस तरफ में थोड़ा अंदर जा सके, थोड़ा अंदर जा रहे थे, उसके बाद ग्रिप बन जाता हमने, ठीक है, वो कोने में डर गया ना, तो थोड़ा अंदर कोशिश करो, थोड़ा हल्का अंदर डालो, वेरी गुड, बस अब पूरा साइड ले लो, ठीक है, अब चारों तरफ फैलाते फैलाते हाथ को चारों तरफ मारना, चारों तरफ इधर ऊपर भी, ठीक है, मारते मारते ब्लेड अंदर चलाना, ये हाथ भी चलना, हाँ ये दो हाथ चलना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस, चलो ऐसे जाने दो, वेरी नाइस ब्रदर, और वेरी नाइस, बहुत अच्छा, उसके बाद यहाँ करना क्या चीज, इसका यहाँ देखेंगे साइड का अच्छा काटाना भाई, जबरदस्त काटाना, तो एक बार ब्लेड बताना मेरे को, आप आईसी का साइड लुक नहीं काट के निकालते हैं तो टाइम लग जाता, ठीक है, तो आईसी का साइड का लुक प्रॉपरली काटना है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ इस चीज को देखो, ये यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ आईसी है आपका, ठीक है, देखो ये पूरा आईसी का यहाँ से यहाँ तक सारा बार कनेक्टेड है, सभी टाइम, ठीक है, हर एक कोने में,
तो एसी का पूरा हीट पूरा साइड गिरेगा, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला बॉल जब मेल्ट हो गया, ठीक है, चारों तरफ, मतलब समझ जाना एसी गरम हो गया, ठीक है, टक खोल के डाल देना बैग, ठीक है। और गैप देख, ये देखो यहां से लेके ये एक गैप है, ठीक है। तो अगर इधर से उठाएंगे तो इधर का टाइटली चिपक के रहता, ठीक है, समझ में। इधर से उठाएंगे तो क्या होता, आधा चिपक के रहता, उड़ता नहीं। हाँ। तो डालेंगे इधर से लेके इसके अंदर अलग तक, अच्छा, सीधा, ठीक है, समझ में। हाँ? तो इधर से ले लो और इसमें घुसा, ठीक है। तो अब करेंगे ये वाला कैप जो है, इसकी कैप का आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको हटा भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको हटाना। तो हीट मारते मारते इसके अंदर से लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो पता है ना कब डालना ब्लेड, मेल्ट होने के बाद, मेल्ट होने के बाद, ठीक है। ब्लेड हैंडल रेडी रखो, ये रखो और हाथ ऐसा रखो इसके अंदर से, ठीक है। अगर नहीं दिखा होता है थोड़ा बहुत हीट करते करके ऐसा ले सकते, और तो ऊपर उठाते रहना ताकि मेरी ये कंपोनेंट हटना नहीं, ठीक है, ओके सर। समझ आया फिर, ओके सर, ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो हाँ चलो ब्लेड ले लो, 375 का डालते बोल वहाँ सेट कर दे, 375 15 एयर है जी, ठीक है, आराम से दिख रहा है, एक मिनट हमारे को यहाँ दिख रहा है ये कोने में, अभी दिख रहा है, चलो तुम्हारे को दिख रहा है भाई, हाँ जी सर, ठीक है। पूरा साइड आराम से हीट मारो, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अभी करो मारो, हाँ अच्छा सर, अभी ऊपर का पार्ट मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया, देखो सारा सा एसी थोड़े देर मार, ठीक है। अभी कोशिश कर हल्का सा इन करने के लिए, हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा स्मूथली जा रहा तो दाना दम डाल देना, ठीक है, हाँ शुरू कर, वेरी नाइस। वो क्या गा रहे थे ऐसा, हाँ सेम ऐसा ही, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और नीचे के तरफ पूरा साइड मार दे रहा ना, ठीक है, उठाने की कोशिश कर, हल्का सा लिफ्ट करने का, हाँ ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बस इतना ही काम है, ठीक है, कुछ कोई डैमेज नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है, एक्सेलेंट करा बंदा, ठीक है। अब पेस्ट लगा दे इसमें, पेस्ट ले ले, ठीक है, अभी तो काम बताया तेरे को, ठीक है, पेस्ट लगा दे, ये तो नॉर्मल चीज ही है, ठीक है, जैसा बोला वैसा ही उठाया, देखे तो ये बोलते फोकस, ठीक है, जब आदमी का फोकस अच्छा रहता तो जैसा बोले वैसा काम कर देता।
दिख रहा है ये तो वो मार्कर मार्कर है इधर मार्कर तो ठीक है। तो विचित्रा कल जो हो तू क्या कर दिया था इसका बीच में का ये पार्ट को तोड़ दिया। अरे बार बार निकाल ये बीच में का ये पार्ट है ना ये है इसका बॉर्डर ठीक है। और अगर हम ये बॉर्डर को तोड़ के बैठेंगे ये क्या हो जाता है आपस में मिक्स हो जाते हैं ठीक है। तो आयरन से इसको ये घस के तोड़ देना नहीं है ठीक है। आयरन से आयरन इतना ही काम करना ताकि नीचे का बाल को ऐसा उठा सके ठीक है। अगर तुम लोगों का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा तो बारीक वाला आयरन लेके एक एक को टच करते जाओ ठीक है। एक एक को टच करते जाओ तो नीचे वाला क्या होता ऊपर आ जाता। और यहाँ कोई भी बॉल के अंदर देखो ग्लू नहीं रहना ठीक है। अगर ग्लू है तो जैसा तुम पेपीडी लगा के ईंट मारे बाल को उठा के बाहर फेंकते रहता हूँ ठीक है। तो हम क्या समझते मेरे से बाल ही नहीं बन रहा है। बाल इसलिए नहीं बन रहा है तेरा क्लीनिंग सही नहीं है। अगर क्लीनिंग प्रॉपरली करेगा बहुत इजीली ये बाल बन जाना चाहिए। तो यहाँ हल्का ऐसा ही करते करते थोड़ा बहुत इसको एक एक बाल को देखते जाना ठीक है। अगर किसी बाल में ग्लू टाइप का आइटम है क्या ठीक है। अगर है तो हम अपने को फोकस करना पड़ता ठीक है। तो तुम नीचे करे तो मेरे को ऊपर देख सुनता हूँ ठीक है। तो या नहीं तो मैं नीचे आके मैं करता हूँ ठीक है। हाँ तो ऐसा करो वेरी गुड। हाँ और ऊपर जाओ दिख रहा है बाल फाइन दिख रहा है फेयर दिख रहा है ठीक है। तो इधर साइड आ जाओ इधर साइड। हाँ ठीक है फिर दिख रहा है ठीक है। जाओ और जाओ और जाओ हल्लो हल्लो बेटा हल्लो ठीक है। ठीक है जाओ और ठीक है और सामने आ जाओ इधर ठीक है। और नीचे जाओ तो यहाँ देखो इधर हल्का सा इस तरफ में देखो ये ग्लू का टुकड़ा है यस सर दिख रहा है ये। और ये अगर क्लीन नहीं हुआ तो ये क्या करेगा ये बाल को नीचे बैठने नहीं देगा ऊपर उठा के फेंकते जाएगा ठीक है। थोड़ा उसको क्या करना हल्का सा ब्रश मार दिया तो निकल के बाहर आ जाता ठीक है। अब इसको मैं जस्ट एक बार अब हो गया इसका क्लीनिंग का पार्ट कंप्लीट। जस्ट करेंगे जस्ट क्या करेंगे पीपीडी अप्लाई करना। पीपीडी अप्लाई कर दो भाई इसमें 330 नॉर्मल नॉर्मल उससे कुछ नहीं है मतलब उठो जरा स्कोर आराम से ठीक है। अब ये ऐसी का इक्वल लेवल में बाल बनाना है। अगर हाइटेड में बनाए तो पीछे करे तो काम खराब हो जाता ठीक है। पीपीडी लगाओ हाँ उतना पानी लिए भाई पूरा पानी पानी लिए थोड़ा बहुत इसको ऐसा ले लो वल्का से जो है पीपीडी को लगाते जाओ तो हम इतना काम कर रहे हैं तो आईसी कब खराब होता अगर बार बार आप रिवॉल्व कर रहे हैं बार बार आप इसको हीट कर रहे हैं ठीक है। एक बार में रिवॉल्व होने का 10 बार रिवॉल्व हो रहा है तुम्हारे हाथों से जब जाके ये क्या होता काम अपना फ्लॉप होता ठीक है। तो कभी भी अपन आगे का चीज करने के लिए पीछे का स्टेप परफेक्ट रहना चाहिए ठीक है। रिवॉल्विंग में अटकना नहीं ठीक है क्लीनिंग में अटकना नहीं ये सब काम में नहीं अटकेंगे तो ये काम अपने को बहुत ही सुंदर ठीक है। दबाना नहीं भाई ठीक है हाल ही लगाना है एकदम डाल के दबाए तो ऐसे बेंड हो जाता तुम्हारी माइंड खराब हो जाता ठीक है ओके। और ऐसा ही सब तरफ लगा दो हाथ में लेकर लगा दो बस से समझ में आ गया सबको समझ में तो आ गया ये ऐसा देखो ऐसा ऐसा पकड़ना देखो
इसी का जो है उधर जिस पे डाल सकते हो, इसी का लेके उधर जिधर डाल सकते हो, डाल सकते हैं या नहीं? तो भाई ऐसा करें तो निकल जाए बोले तुम्हारे पास। हाँ बोले एक बार हाँ का एयर लगा के एक मार दो, ठीक है? हाँ हाँ का एयर लगा के कितने? हाँ चार लाखों तीन चार, ठीक है? हाँ हिट बार सेम रहना, हल्का घुमा दो, ठीक है? और साथ ही साथ वो रजिस्टर को साइड कर दो, साथ ही साथ रजिस्टर को जो है ना हल्का सा साइड कर दो, टचअप कर दो उसको, रजिस्टर को बोला। हाँ नीचे से करो ना, ऊपर से करे तो कान से आता, नीचे से हाँ रजिस्टर पे फोकस करो तो, हाँ वो टचअप कर दो। हाँ वेरी गुड, बस ठीक है। और हल्का घुमा दो पूरा साइड आराम से, छोड़ दे रहा हूँ।
स्टोर। थोड़ा देख लेता हूँ इसका। दिख रहा है आप लोगों को? रैम तो 100% प्रॉपरली क्या हो गया यार? दिख रहा है तुम्हारे बीच के बॉल भी? बीच का एक एक बॉल दिख रहा होगा? ठीक है, और इधर साइड में देख लेता हूँ मैं। ठीक है, इधर साइड भी ओके, और यहाँ दिखाए हुए इधर से क्या दिख रहा है तुम्हारे? एक एक बॉल टच हो गया सो दिख रहा है अभी? ठीक है, अभी ले लेना बोर्ड को आप, जो आपका जो बोर्ड है। कैमरा में अच्छा दिखो, तो एक बार बोर्ड निकाल लो। लगा दो इसके अंदर। ओके, ये कनेक्शन कर दो। ओके, चार्जर लगा दो, चार्जर ले लो। ये चार्जिंग लगाएंगे तो अभी आ गया यार, डिस्प्ले आ गया, तो देख सकते हैं जरा उसके बता रहा भाई। ठीक है, अभी ऑन हो गया, तो अभी चार्जिंग परसेंटेज यहाँ अभी आया नहीं, मतलब बैटरी के अंदर अभी चार्जिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी 2 मिनट लगेंगे खुलने के लिए, वेट करना पूरा खुलने तक। ठीक है, तो 2 मिनट ये चार्ज होने के लिए टाइम लगता है। तो ये जो है एक्सपर्ट थोड़ी है, ये कितने दिन में बना ये? 2 दिन। कितना दिन हो गया अपना क्लास? कितना दिन? 10 डेज। ठीक है, कितना हो गया अपना? 10-12 डेज का ना, 12 डेज का हो गया, 14 डेज, सॉरी, तो 14 दिन हो गया। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर जब 0 लेवल में बंदा आता तो ये रिजल्ट दिख रहा है ये। ठीक है, तो सब लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता? प्रैक्टिस करना पड़ता। सबके पास मोबाइल लाते नहीं, सबके पास अवेलेबल रहता है। ठीक है, हम मेहनत करेंगे तो आपको ट्रिक पता है, कितना एयर में निकालना है, कितना हीट में निकालना है, सारा चीज आपको पता है। ताकि इससे जो मैं कराया, ताकि ये फोन किसका है भाई? ये फोन जरा बता रहा किसका है? किसका है भाई? तुम्हारा ही है। तो आपका फोन ही दिया। ठीक है, इन्होंने तो फोन नहीं ला लिए थे, तुम नहीं करते बोले तो इनको चांस दे दिया मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कोई चूजन पर्सन को ले रहा हूँ, ऑलरेडी एक्सपर्ट है, काम कर रहा है, ऐसा जोड़ी पर्सन को नहीं ले रहा हूँ। किसको ले रहे हैं अपन? सारा प्रेशर में ही लिफ्ट कर रहे हैं अपन, ताकि ये एक मोटिवेशन है, ताकि एक बंदा अगर कर सकता है, 0 लेवल का बंदा कर सकता है, तो यहाँ तो कोई भी बंदा कर सकता है। ठीक है, तो कैसा लग रहा भाई आपको काम करके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर से आप? हम मैं निजाम। ठीक है, अगर कोई आना चाह रहे फॉर्म फिक्स हैदराबाद जेल होना चाह रहे, तो उन लोग क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल पे काम सिखाया जा रहा है, ये मॉडर्न वॉइस के तौर पे नीचे लेवल का है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। तो थ्योरी कैसा पढ़ा रहे? थ्योरी प्रैक्टिकल कैसा हो रहा है? प्रैक्टिकल तो वेरी गुड। ठीक है, जो चीज आप पूछते हैं बताते हैं, ऐसा नहीं कि तुम आ रहे थे पूछने से कुछ इंकार कर देते, नहीं बता दे क्या? प्रैक्टिकल में तो पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक, तो एक बार आप करके बता देना, अभी 0% से अपना आ गया, तो एक बार आप करो यार। ताकि लोगों में अटक रहा होगा तो बुरा तो हाल होने दो।
इधर बताओ, इनको बताओ, यहाँ लगाओ, इनको बताओ, ठीक है? ताकि वीडियो ले रहा है ना ये। लोगों में टाइम नहीं लेता, थोड़ा टाइम लेता। अगर कोई ऐसा, अगर तुम्हारे को लोगों के ऊपर ज्यादा देर दिख गया, ठीक है, आप सीपीयू रैम कर रहे हैं, तो ज्यादा देर तक ऐसा ही कंडीशन के अंदर ठहर गया तो समझ जाना ये फोन कोई सर्विस सेंटर वाला या किधर भी फ्लैश होके आया, ठीक है? तो क्या करते हैं, फोन अगर लोगों के अंदर आ गया, रिसर्ट के अंदर आ गया, तो क्या करता, पहले दुकानदार क्या करता, फ्लैश करने जाता, तो सॉफ्टवेयर करने जाता, तो क्या हो जाता, ये फ्लैशिंग बीच में अटक जाता, ये लोगों के अंदर आके अटक जाता, तो फुल फ्लैश नहीं होने की वजह से क्या होता है, ऐसा हो जाता। अभी सेकंड लोग आ गया, मतलब ये ठीक है, तो देखना ये चीज, लेट हो रहा बोल के फिर रैम उखड़ दे काम नहीं करना, ठीक है? तो क्या करना, वेट करना, इस 2 मिनट के लिए वेट करना, ठीक है? फ्लैश करा हुआ है तो थोड़ा लेट हो, ठीक है? दिख रहा है ये, ठीक है, दिख रहा है डिस्प्ले भी, ओके, राइट, छोड़ दो, अंकुल को दे लो, 2000 रुपए ले लो, अंकुल को दे के नहीं बनेगा।